Hey, फिर से स्वागत है आपको। मैं कदम अजय सिविल इंजीनियर और आप देख रहे हैं ड्रीम प्लानिंग डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यानी कि डीपीडीसी का प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा प्रीवियस सेशन का पावरफुल टॉपिक था कॉलम का वर्टिकल रेनफोर्समेंट में लैपिंग को कैसे अरेंज किया जाता है और आज का पावरफुल टॉपिक है पेडिस्टल क्यों प्रोवाइड करते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट टू प्रोवाइड पेडिस्टल, पेडिस्टल कहाँ पे कैसे प्लेसिंग किया जाता है, पेडिस्टल का रेनफोर्समेंट का कार्टिल में लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले पेडिस्टल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लीजिए। ये है पेडिस्टल का रेनफोर्समेंट डिटेल्स। इसके बाद क्या होता है, फाउंडेशन कस्टिंग होता है। देखिए फाउंडेशन को कैसे कस्टिंग किया है यहाँ पे, और उसके बाद क्या होता है, पेडिस्टल कस्टिंग होता है। सो ये था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पेडिस्टल। नेक्स्ट है पर्पस। व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड पेडिस्टल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट टू इंक्रीज लोड ट्रांसफर एरिया, दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड पेडिस्टल। जब फाउंडेशन में पेडिस्टल प्रोवाइड नहीं करते हैं तब कॉलम में से डायरेक्टली लोड फाउंडेशन के ऊपर आता है, उसके बाद एंगुलर पैटर्न से लोड डिस्पर्स होके सॉइल में ट्रांसफर होता है। और अगर पेडिस्टल प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, कॉलम में से लोड पेडिस्टल में आता है, उसके बाद क्या होता है, उस लोड पेडिस्टल से ही एंगुलर पैटर्न में डिस्पर्स होता है। तो क्या होता है, पेडिस्टल में जब लोड ट्रांसफर होगा, पेडिस्टल से जब वो इंक्लाइंड मैनर में ट्रांसफर होना स्टार्ट करेगा तो लोड ट्रांसफर एरिया इंक्रीज कर जाएगा। सो ये था पेडिस्टल प्रोवाइड करने का स्ट्रक्चरल पर्पस। अब आते हैं पेडिस्टल का रेनफोर्समेंट का कार्टिल मिन लेंथ कैलकुलेशन में। सो पेडिस्टल का फाउंडेशन का रेनफोर्समेंट लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए आपको फाउंडेशन ड्रॉइंग को अच्छे से रीड करना होगा। पहले आपको देखना है सेक्शनल रेनफोर्समेंट डिटेल्स। यहाँ पे क्या देखना है, पेडिस्टल का रेनफोर्समेंट पीसीसी के ऊपर कितना डिस्टेंस छोड़ के स्टार्ट हुआ है। अब ये सेक्शनल ड्रॉइंग देखिए, यहाँ पे क्या है, पीसीसी के ऊपर 50 mm का कवर है, उसके बाद बॉटम मेस का रेनफोर्समेंट है। बॉटम मेस का क्या रेनफोर्समेंट है, यहाँ पे 212 mm का रेनफोर्समेंट दो डिरेक्शन में है। उसके बाद क्या है, बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट 20 mm का है दो डिरेक्शन में, दैट इज 2 × 20, दैट इज 40 mm। उसके बाद प्लेसिंग किया है पेडिस्टल का रेनफोर्समेंट को। नेक्स्ट फाउंडेशन डेप्थ, दैट इज 500 mm, एंड नेक्स्ट पेडिस्टल साइज एंड डेप्थ। ये फाउंडेशन ड्रॉइंग देखिए, यहाँ पे पेडिस्टल साइज क्या है, यहाँ पे पेडिस्टल साइज है दोनों साइड में 750 करके है, सो 2 × 750 प्लस कॉलम विथ। यहाँ पे कॉलम विथ सपोज मान लीजिए 600 × 600, यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन में मान लेता हूँ, सो 2 × 750 + 600, ये फाउंडेशन ड्राइंग देखिए। देखिए डेवलपमेंट लेंथ आपको कहाँ पे चाहिए, ये डेवलपमेंट लेंथ आपका फाउंडेशन ड्राइंग में प्रोवाइड किया होगा, और अगर फाउंडेशन ड्राइंग में डेवलपमेंट लेंथ मेंशन नहीं है तो ये सेशन आप देख लीजिए, तो आप इजीली डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेशन कर पाएंगे। सपोज डेवलपमेंट लेंथ है 50D और यहाँ पे पेडिस्टल का रेनफोर्समेंट का डायमीटर है 12 mm, सो 50 × 12 600 mm। और ध्यान दीजिए, अगर आपका रैफ्ट फाउंडेशन ये है तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको बॉटम मेस का रेनफोर्समेंट प्लेसिंग करना होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा आपका बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट। अब ये प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिए कैसे ये प्लेसिंग किया जाता है। सपोज दैट इज एक्स डिरेक्शन एंड दैट इज वाई डिरेक्शन, मैं मान लेता हूँ ये ड्रॉइंग में ये एक्स डिरेक्शन है, सो कटर में लेंथ ऑफ पेडिस्टल लाइन एक्स डिरेक्शन इक्वल्स टू पेडिस्टल लेंथ -2 × कवर +2 × फाउंडेशन थिकनेस +pedestal thickness -2 × cover -bottom mesh thickness -bottom extra reinforcement mesh thickness +2 × development length -4 × 2D। यहाँ पे बॉटम मेस थिकनेस मतलब बॉटम मेस में दो रेनफोर्समेंट मिला के कितना थिकनेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 × 12, और बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट थिकनेस मतलब बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट में दो डिरेक्शन में दो स्टील मिला के कितना थिकनेस हो रहा है, मतलब दो डाया मिला के यहाँ पे थिकनेस हो रहा है 2 × 20 = 40 mm।
एंड नेक्स्ट यहाँ पे 4 × 2D इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे 490 डिग्री बेंड है. सो दैट इज 2100 - 2 × 50 +2 × 500 + 250 -2 × 50 - 2 × 12 - 2 × 20 +2 × 50 × 12 - 4 × 2 × 12 That is equal to 4276 mm. And cardinal length of pedestal along y direction equals to cardinal length of pedestal along x direction +2 × 20 - 2 × dia of pedestal reinforcement. यहाँ पे +2 × 20 इसलिए किया है क्योंकि जब along y direction आप pedestal का reinforcement calculation करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे bottom extra reinforcement में bottom reinforcement के ऊपर ये placing करना होगा आपको. मतलब बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट मेस में बॉटम रेनफोर्समेंट के ऊपर से ये पेडेस्टल का रेनफोर्समेंट स्टार्ट हुआ है, इसलिए दोनों डायरेक्शन में 20-20 करके इंक्रीज करेगा. और जब पेडेस्टल का रेनफोर्समेंट अलग वाई डायरेक्शन आप प्लेसिंग करेंगे तब ये फाउंडेशन ड्रॉइंग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉप जो रेनफोर्समेंट है उससे नीचे से ये रेनफोर्समेंट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 12 mm करके दोनों साइड में डिक्रीज हो रहा है. So that is equal to 4276 +2 × 20 - 2 × 12 That is equal to 4292 mm. So आज का सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ. उम्मीद है कि YouTube में ऐसे पावरफुल एनर्जेटिक सेशन सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक के ऊपर इससे पहले आपने नहीं देखा होगा. मेरा नेक्स्ट सेशन का पावरफुल टॉपिक है रैफ्ट फाउंडेशन में चेयर क्यों प्रोवाइड करते हैं और इसका प्लेसिंग कैसे किया जाता है और चेयर के रेनफोर्समेंट का कार्टेनल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं. ऐसे पावरफुल नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, नहीं तो ऐसे पावरफुल टॉपिक आपसे छूट जाएगा. मेरा चैनल का वीडियोस देख के लाइक करके मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरा हर वीडियोस को ध्यान पूर्वक अंत तक देखने के लिए सच्चे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.